महतो जी, नेपाली कांग्रेस के उपसभापति बिमलेन्द्र दिदी जी, जनकपुर उप महानगर पालिका के प्रमुख, कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट व्यक्ति एवं उपस्थित जन समुदाय, जनक नंदिनी जानकी जी का पावन भूमि मिथिला नगरी जनकपुर, भारत के प्रधानमंत्री महामहिम श्री नरेंद्र मोदी जी के भ्रमण से प्रदेश नंबर 2 के सरकार एवं यहाँ के जन समुदाय गौरवान्वित अनुभूति कर रही है। प्राचीनतम एवं ऐतिहासिक मिथिला के पावन धरती पर आपका आगमन होना न केवल ऐतिहासिक है बल्कि चिरस्मरणीय अवसर है। इसके 3 वजह है। पहला तो नवगठित प्रदेश सरकार और मधेसी समुदाय के पहचान संसार भर स्थापित हुआ है। दूसरा, विकास के संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तीसरा, दोनों मुलुक के बीच धार्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों और भी गहरा हुआ है। महामहिम जी, नेपाल और भारत का संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है। यह संबंध रामायण कालीन समय से और भी गहरा हुआ जब भगवान श्री राम का पाणी ग्रहण जनक नंदिनी जानकी के साथ संपन्न हुआ। उस समय से आज तक हमारे दोनों देश के बीच खुला सीमा होने के कारण प्रत्येक वर्ष हजारों हजार लोगों का विवाह नेपाल भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में होने से हमारा जो परंपरागत सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंध है दिन प्रतिदिन नवीनता पाया गया है। नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्र में बेटी रोटी के संबंध से हम भावनात्मक रूप से ज्यादा नजदीक होते आए हैं। हमारे दोनों देशों के बीच जो राजनीतिक सीमा है वह हमें कभी भी अलग नहीं कर पाया है। इसके साथ ही नेपाल भारत के बीच खुला सीमा हमारे बीच सेतु के रूप में जोड़ने के काम करता है, जिससे दोनों राष्ट्रों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक संबंध काफी सशक्त एवं अटूट है। वर्तमान परिवेश में हमें आपका स्वागत करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है हमारे लिए सौभाग्य है। दोनों देश के बीच जो सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंधों को जनता की विकास, समृद्धि और खुशहाल के लिए सड़क, रेल और हवाई मार्ग से जोड़ने की आवश्यकता है। रामायण सर्किट के तहत जनकपुर अयोध्या को युगल जोड़ी शहरों के रूप में मौलिकता को बचाते हुए धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकास करना आज की आवश्यकता है। राम जानकी मार्ग जो इन दिनों पवित्र धार्मिक स्थल जोड़ने वाली है उसे उन क्षेत्रों को जोड़ना होगा जिस मार्ग पर होकर प्रभु राम जनकपुर पधारे थे। महामहिम जी, अब मैं आपका ध्यान प्रदेश नंबर 2 में आकर्षित करना चाहता हूं। यह प्रदेश आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़ा हुआ है। राज्य के द्वारा मधेसियों के प्रति जारी विभेदकारी नीतियों और कुपाग्रहों, विद्वेषपूर्ण मानसिकता के कारण से ही मधेस के लोग तुलनात्मक रूप से अत्यधिक गरीब, बेरोजगारी, अभावग्रस्त, शोषित एवं उत्पीड़ित जीवन जीने के लिए विवश है। मधेस विकास के मामले में काफी पीछे रहा है। हमारी संघर्ष आज भी विभेदकारी संविधान और प्रादेशिक अधिकारों के लिए जारी है। हम नेपाल के अभिन्न अंग है, पर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में भी बिना भेदभावपूर्ण किसी भी जाति, वर्ग और समुदाय के लोग राज्य के हर तह तबका निकाय में उसका क्षमता और योग्यता से पहुंचने का सहज अवसर मिले। जैसे कि महामहिम, आप एक सामान्य परिवार के होते हुए भी भारत के सर्वोच्च कार्यकारी पद पर विराजमान हैं।
क्षेत्र में हरित क्रांति के जरिए परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसी प्रदेश होकर कई सारी नदियां बहती है, जिसमें कोसी, कमला, बागमती, दातो, बिगड़ी, हाडो और बरान प्रमुख है। फिर भी इन नदियों में पानी उचित व्यवस्थापन न होने के वजह से बरसातों में दोनों देशों के जनता बाढ़ और अन्य समय में सूखा का सामना करना पड़ता है। इससे न केवल प्रदेश नंबर दो में अपितु बिहार के विभिन्न भूभाग में जनमाल का भारी नुकसान हो रहा है। इन समस्याओं को ठोस एवं दीर्घकालीन समाधान कर कृषि उत्पादन कर आर्थिक विकास में एक नया आयाम प्रस्तुत कर सकते हैं। चुरिया संरक्षण और नदियों के नियंत्रण तथा सुनकोसी कमला डाइवर्सन प्रोजेक्ट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। अंत में हमारी आस्था से जुड़ी मिथिला नगरी जनकपुर को अंतरराष्ट्रीय धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करते हुए हम भारत और प्रदेश नंबर दो के बीच आर्थिक विकास के साझेदारी बनाना चाहते हैं, जिसमें आपके सहयोग और भागीदारी की अपेक्षा है। मैं आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने प्रधानमंत्री के रूप में नेपाल का जो यह तीसरी बार भ्रमण किया है, उसमें आपने जगत जननी जानकी की पवित्र भूमि जनकपुर से ही अपना यात्रा प्रारंभ किया है। हम चाहते हैं कि जनकपुर के साथ ही प्रदेश नंबर दो के प्रति आपने जो सद्भाव और प्रेम प्रकट किया, इसे निरंतर कायम रखते हुए इस पवित्र भूमि जनकपुर में बार बार पधारे और हमें आपका स्वागत करने का पुनीत अवसर देने का सौभाग्य प्रदान करें। धन्यवाद। अत्यंत ही सांदर्भिक और सारगर्भिक मंतव्य रखा। अब जिनको सुनने